स्वागत। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाकोट। आज हमारे रोड ट्रिप का डे 3 है और एपिसोड कौन सी चल रही है वो तो मुझे भी याद नहीं है, वो टाइटल में देख लीजिएगा। कल हम गए थे शोग्रान और शोग्रान से वापस आए थे बालाकोट। अगर आपने शोग्रान वाली एपिसोड नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, बहुत आला जगह थी। आज हम जाएंगे बालाकोट से एबटाबाद और वहाँ से कहाँ जाना है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी नीचे चलते हैं, चल के नाश्ता करते हैं और इस खूबसूरत सिटी को गुड बाय बोलते हैं। सुबह सुबह आपको ऐसी जगह पर नाश्ता मिल जाए और क्या चाहिए। ये सामने रिवर कुनार है, इस तरफ पहाड़ है, यहाँ बैठकर आप नाश्ता कर रहे हो, माइंड फ्रेश हो जाता है और इतनी खूबसूरत सुबह का स्टार्ट होता है। बाइक वार्म अप हो चुकी है लेकिन इसका क्लच जो है वो बहुत लूज़ हुआ होता है, तो उसे थोड़ा टाइट करना है। ये कल से मैं नोटिस कर रहा था कि ये लूज़ हो रहा है, तो इधर से इसे टाइट करके फिर निकलते हैं। क्लच केबल जहाँ इंसर्ट होती है वहाँ से एक पीस है वो टूट चुका है, लेकिन इतना एडजस्ट कर दिया कि इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। बस अब बैग बांधते हैं और निकलते हैं। इस खूबसूरत दरियाए कुनहार को गुड बाय बोलते हैं। इंशाल्लाह समर में फिर मुलाकात होगी। तो हमारा सफर स्टार्ट हो चुका है एबटाबाद की तरफ। इस रोड ट्रिप पर मैंने ये चीज नोटिस की है कि मेरे जो डिसीजन थे वो काफी इम्प्रूव हुए हैं। ये है फायदा ट्रैवलिंग का कि आप बहुत कुछ सीखते हैं। यहां से एबटाबाद है 60 किलोमीटर और रोड काफी अच्छा है। यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ हुआ है, ट्रक को स्ट्रेट कर रहे हैं। ट्रक को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं हुआ। अभी ये दूसरा ट्रक आए हुए है जो इसे खींच कर सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं।
आते हुए आपको ये रोड मैंने नहीं दिखाया था, तो अभी वापसी ये रोड आपको दिखाते हैं। यहाँ से मानसहरा तक रोड जो था बहुत ज़बरदस्त था। मानसहरा का सीन ये है, वहाँ पर कोई बाईपास भी है। अभी आते हुए भी मैं सिटी से होके आया था और वहाँ इतना ट्रैफिक था, तो अभी मैं सोच रहा हूँ वापसी पर किससे पूछूँगा, हम बाईपास से बाहर से ही अब्राबाद की तरफ निकल जाएं, सिटी की तरफ जाएं नहीं। अभी दूसरा एक्सीडेंट देखने को मिला है, वहाँ से लड़का क्रॉस करके आ रहा था, ये जो हाई रूफ है ये उसमें जा लगी और बहुत बुरी लगी है जाके। गुड हो गया कि हमें ये दिख गया, अब हम डायरेक्ट एबटाबाद बाईपास की तरफ टर्न जाएंगे, अदरवाइज मानसहरा सिटी में जब एंटर होते हैं वहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं एबटाबाद बाईपास की तरफ। तरफ है मानसहरा सिटी। ओके जी, तो हम जा रहे हैं अभी शिमला हिल्स। पहले एक दो दफा मैं आ चुका हूँ एबटाबाद, लेकिन ठंडिया नहीं आता था तो टाइम नहीं मिलता था इस तरफ जाने का, तो इस दफा मैंने ये सोचा था कि अगर एबटाबाद आना है तो शिमला हिल्स देख के जाना है इस दफा। अभी मैप मैंने ऑन किया हुआ है, चेक कर लेते हैं कि किस तरफ जाना है। यहाँ से है वैसे करीब 4 किलोमीटर ही है, देख लेते हैं मैप में ज़रा, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये शिमला पहाड़ी की तरफ रास्ता किस है? इस तरफ है, ठीक, शुक्रिया। अच्छा हुआ पूछ लिया, मैप तो मुझे लेफ्ट भेज रहा था। पहाड़ों में वैसे कहीं कहीं आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं तो उसका दिमाग भी घूम जाता है थोड़ा। यहाँ से वो कह रहे हैं स्ट्रेट जाना है, दाएं बाएं कहीं नहीं जाना। यार ये काफी खूबसूरत एरिया है एबटाबाद का। ये आ गए जी हम शिमला पार्क।
इस टाइम मैं मौजूद हूँ शिमला हिल्स में। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सामान बहुत है जो मैं यहाँ भी नहीं छोड़ सकता और साथ में कैरी करके भी नहीं जा सकता। तो इस वजह से अभी मैं पार्क नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क है। नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे तो ये कंप्लीट पार्क मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि पिक्चर्स में मैंने देखा है बहुत खूबसूरत जगह है। तो अभी क्या किया जाए, तो अब ऐसा करते हैं निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ। तो ये जो एबटाबाद वाला रास्ता था, एबटाबाद से नथिया गली, ये तो आते हुए मैंने कम्प्लीटली आपको दिखाया था। तो अब मैं डायरेक्ट नथिया गली पहुँचता हूँ और वहाँ पहुँच कर फिर मिलते हैं आपसे। सीरीज़ को हम इधर ही एंड करते हैं। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको बेहतरीन किस्म का कंटेंट दिखाया जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।